अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। सो फाइनली जी, पाकिस्तान ने चार लगातार हार के बाद बंगाल टाइगर्स को बिगी बिल्ली बना दी और पाकिस्तान ने बांग्लादेश से अहम मैच जो है वो 7 विकेट से जीत लिया और 20 तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 20 ओवर पाकिस्तान ने पहले जो है वो चेज कर लिया। ये स्कोर 17-18 ओवर जो है वो पाकिस्तान ने पहले ये रन जो है वो चेज कर लिया। पाकिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 204 रन जो है वो बनाए थे और पाकिस्तान को 205 रन का टारगेट मिला था, जो कि पाकिस्तान ने आज आउटस्टैंडिंग बैटिंग देखने को मिली पाकिस्तान की तरफ से। और फखर जमान जिनकी तरफ से काफी अरसे से पाकिस्तान को एक बड़ी इनिंग ड्यू थी और पाकिस्तान वर्ल्ड कप के दहाने पे पहुंच गया और अब फखर जमान जो है वो फाइनली फॉर्म में आ गया और आज उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है 7 छक्के जो है वो मारे हैं। फखर जमान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, 80+ रन जो है उन्होंने बनाए हैं। उसके साथ अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने भी जो है वो 60+ रन बनाया, आई थिंक 68 रन जो है वो उन्होंने इनिंग खेली है। ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से जो है वो उनने भी रन बनाए हैं, उनने भी 2-3 चौके लगाए, छक्के लगाए हैं और फखर जमान ने 3 चौके लगाए और 7 छक्के लगाए हैं और 100+ के जो स्ट्राइक रेट से जो है वो उनने रन बनाए हैं। तो आज के मैच में जो है वो फखर जमान जिसके चलने की बात की जा रही थी कि फखर जमान जिस दिन चल जाए, फखर जमान का जिस दिन हो, वो बड़े से बड़े टोटल को जो है वो चेज भी कर सकता है और बड़े से बड़ा टोटल जो है वो सेट भी कर सकता है। तो आज फखर जमान ने फाइनली वो चीज साबित कर दी है और 204 का जो टारगेट पाकिस्तान को मिला था, 205 पाकिस्तान ने बनाना था, तो वो फखर जमान की कमाल की बैटिंग के बदौलत और कमाल की हिटिंग के बदौलत, जिस चीज में पाकिस्तान लैग कर रहा था कि पाकिस्तान प्ले पावर प्ले के जो ओवर से उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बड़ी हिट्स देखने को नहीं थी मिल रही और इमाम उल हक भी जो है वो लगातार फ्लॉप हो रहे थे और वो रन तो थोड़े बहुत बना रहे थे लेकिन वो इस तरह के रन नहीं थे बना रहे या स्ट्राइक रेट से नहीं थे बना रहे कि जो पाकिस्तान के लिए फायदा मंद साबित हो जाए। तो वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो है वो इस वर्ल्ड कप में कॉस्ट किया है और आज इमाम उल हक को जो है वो पाकिस्तान की टीम से निकाला गया, उनकी जगह पर फखर जमान को जो है वो टीम में शामिल किया गया जो नी की इंजरी से जो है वो सेहत याब हुए और काफी अरसा जो है वो उनकी नी की इंजरी पाकिस्तान को लेकर डूब गई है और आज जब उनकी नी की इंजरी सही हुई तो उनने जो है वो फाइनली सबको साबित कर दिया कि फखर जमान इज वन ऑफ द बेस्ट ओपनर पाकिस्तान हैज। अगर आज के मैच की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से पहले जो है वो बांग्लादेश ने जब बैटिंग की तो पाकिस्तान के बॉलर्स की तरफ से बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली। शाहीन शाफरीदी ने पहले ही ओवर में जो है वो विकेट ले ली थी और जो है वो शाहीन शाफरीदी 3 विकेट उनने ली। हसन जो हारिस रऊफ है उनने भी जो है वो 2 विकेट ली। मोहम्मद वसीम जूनियर उनकी तरफ से भी 3 विकेट्स मिली और तीनों फास्ट बॉलर्स ने बड़ी कमाल की जो है वो फास्ट बॉलिंग की है और इनकी तरफ से आउटस्टैंडिंग जो है वो बॉलिंग देखने को मिली है। इनकी इकॉनमी भी बहुत अच्छी थी और इनकी जो है वो रन भी इनने रोके, रेगुलर इंटरवल पे विकेट्स भी लेते रहे जिसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 45 ओवर में 204 रन बना सकी और पाकिस्तान को 205 रन जो है वो उसका टारगेट मिला, जो कि पाकिस्तान ने इजिली जो है वो चेज कर लिया 30+ ओवर्स में और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री जो है वो हासिल की और ये पाकिस्तान को जो है वो अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता तो ये विक्ट्री पाकिस्तान के बहुत काम आएगी। एक तो पाकिस्तान ने जो 5 ओवर पहले उनके सारे खिलाड़ी को आउट कर दिया था वो भी पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट और दूसरा पाकिस्तान जितने ओवर पहले चेज करता, जितने ओवर जल्दी चेज करता तो ये भी पाकिस्तान के लिए जो है वो प्लस पॉइंट बनना था और विकेट्स का भी वैसे फर्क तो नहीं पड़ता लेकिन पाकिस्तान ने 7 विकेट से जो है वो ये मैच भी जीत लिया जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है। पाकिस्तान टीम जो है वो पिछले 1-2 मैच से जो है वो जीत की तरफ चल पड़ती थी, जीत की जो है वो मंजिल पर पहुंच जाती थी लेकिन वो फाइनल जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर पाती थी। तो आज पाकिस्तान टीम ने जो है वो फाइनली वो क्रॉस की है और आज पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज जो है वो अलग लग रही थी और मैं दुआ कर रहा था कि काश पाकिस्तान की ये जो है वो बॉडी लैंग्वेज जो है ये पाकिस्तान की पहले मैचेस में देखने को मिलती तो पाकिस्तान जो के लिए आज जो है वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान ऑलमोस्ट जो है वो पहुंच चुका होता और हम जो है वो काश या ये हो जाए तो वो हो जाए, वो उससे हार जाए और वो उससे जीत, इस कश्मकश में हम मुबतला ना होते। तो पाकिस्तान की तरफ से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई गई है और पाकिस्तान को जो पावर प्ले में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस दिखाई और पाकिस्तान की तरफ से हार्ड हिटिंग देखने को नहीं मिली, बड़ी शॉट्स के देखने को नहीं मिली तो वो आज फखर जमान ने जो है वो अपने बल्ले से लगा दी और आज उन्हें 7 छक्के लगाए हैं और जो अब्दुल्ला शफीक है उनने भी जो है वो 2 छक्के लगाए हैं, उनने चौके भी लगाए हैं, फखर जमान ने भी 3 चौके लगाए, मेरे से अब्दुल्ला शफीक ने 9 चौके लगाए हैं। तो दोनों की तरफ से पाकिस्तान के जो ओपनर्स थे उनने अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान को दिया जिसका फायदा जो है वो
आने वाले बैट्समैन को हुआ, और उन पर किसी भी किस्म का एक तो टोटल जो है वो बहुत कम था, और दूसरा पाकिस्तान के ओपनर्स ने उनके लिए जो है वो एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया था कि वो आके अगर ये ओपनर्स हम आउट हो जाते हैं तो उसके बाद जो बैट्समैन आएंगे वो जल्दी जल्दी से जो है वो पाकिस्तान को जितवाने की कोशिश, जल्दी से जो है वो हार्ड हिटिंग करके पाकिस्तान को जितवा सके। तो पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान के शायकीन को बहुत बहुत मुबारक हो, और खासकर फहर जमान के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो, और शाहीन शाह अफरीदी के फैंस को जो है वो बहुत मुबारक हो, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी दुनिया के जो है वो 100 विकेट्स ओडीआई की कंप्लीट करने वाले तेज तरीन बॉलर बन गए। इससे पहले जो है ये रिकॉर्ड मिचेल स्टार के पास था, और आज उनसे जो है वो शाहीन शाह अफरीदी ने पहली विकेट हासिल करके मिचेल स्टार ने जो है वो 52 मैचेस में ये रिकॉर्ड बनाया था, अपने नाम किया था 100 विकेट्स ओडीआई की लेने का। तो लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने एक मैच जो है वो कम खेलकर 51 मैचेस में ओडीआई की जो है वो 100 विकेट्स मुकम्मल कर लिए। तो यूं शाहीन शाह अफरीदी भी जो है वो भी दुनिया के पहले बॉलर बन गए जिन्हें तेज तरीन जो है वो ओडीआई की सेंचुरी विकेट्स की मुकम्मल किया। तो इसके लिए शाहीन शाह अफरीदी की भी जो है वो उनको भी मुबारकबाद जाती है। और वैसे भी शाहीन शाह अफरीदी वैसे भी जब भी जो है वो ऊपर से विकेटें लेते हैं तो वो हमेशा पाकिस्तान के लिए जो है वो बेनिफिशियल होता है, हमेशा वो पाकिस्तान के लिए उस मैच में जो है वो अच्छा होता है। लेकिन आज के मैच में फिर जो है वो बाबर आजम के एक तो वो बैटिंग में वो आगे बढ़ के छक्का मारना चाहते थे तो बल्ले पे सही जो है वो बॉल आई नहीं, और उसकी वजह से जो है वो कैच आउट हो गए। चले वो ठीक है, वो जो थी वो उस टाइम रिक्वायरमेंट भी यही थी कि आप जल्दी जल्दी जो है वो रन को चेज करें, क्योंकि अगर आपने सेमीफाइनल में पहुंचना है तो कहीं रन रेट की वजह से आप पीछे ना रह जाएं। और लेकिन बाबर आजम की कप्तानी ने फिर आज जो है वो मुझे मायूस किया, एक दो अच्छी चेंजेस भी किए, जिस तरह वो शाहीन शाह अफरीदी का हारी जब उन्हें 5 ओवर करने के बाद चले गए तो उन्होंने फिर 30 ओवर के बाद जो है वो उनको बुला लिया, और लेकिन जो है वो एक बाबर आजम की तरफ से अच्छा जो है वो प्लान था, और लेकिन बाबर आजम की तरफ से अटैकिंग फील्ड इतनी खास देखने को नहीं मिली, पाकिस्तान के कप्तान की तरफ से जो है वो सिर्फ खास देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान के स्पिनर्स वैसे कामयाब नहीं हो रहे, उनके खिलाफ भी जो है वो आपने कोई स्लिप नहीं ली, फील्डिंग बिल्कुल एग्रेसिव नहीं थी, फील्डिंग वैसे खिलाड़ी जो है वो जान मार रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं था लग रहा कि बाबर आजम जो है वो अगली टीम पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबर आजम अभी भी जो है वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, और आज भी उनकी कप्तानी में जो है वो देखने को चीजें मिली। और हमेशा जब पाकिस्तान ने उनकी ये जो 204 रन बनाए ये भी बाबर आजम की बेवकूफी की वजह से बनाए, क्योंकि अगर बाबर आजम जब उनकी 3 विकेट्स गिर चुकी थी तो तब एक तो हारिस रऊफ को ना लाते, जब आपको पता है कि पावर प्ले में उसको मार पड़ती है और अच्छी खासी पड़ती है तो फिर आपको उसको पावर प्ले में लाने की क्या जरूरत है, आप उसकी जगह किसी और से बॉलिंग करवा सकते थे। आपने जो है वो सलमान अली आगा को जो है वो मोहम्मद नवाज या शादाब खान की जगह पर शामिल किया है, तो मोहम्मद नवाज जो है वो बॉलिंग करते हैं 10 ओवर करते हैं तो आपने सलमान अली आगा से एक भी ओवर नहीं करवाया, और उसामा मीर जो पाकिस्तान की टीम की तरफ से आज के सबसे महंगे तरीन बॉलर है उनको बाबर आजम जो है वो लगातार बॉलिंग करवाते रहे। उनके सारे खिलाड़ियों के जो है वो अभी तक ओवर पड़े थे, शाहीन शाह अफरीदी के पड़े हुए थे, मेरा शाहीन शाह अफरीदी का एक पड़ा था, हारिस रऊफ के 2 पड़े हुए थे, इसी तरह जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर के ओवर पड़े हुए थे वो, और वो अच्छे इंटरवल्स पर विकेट्स भी ले रहे थे और रन को रोक भी रहे थे, उनकी बॉलिंग की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी थी और उसामा मीर से तो बहुत बेहतर थी। तो उसके बावजूद इन खिलाड़ियों के ओवर पूरे ना करवाना, और उसामा मीर जिसको सबसे ज्यादा मार पा रही थी और खिलाड़ी उस पर इजीली जो है वो रन बटोर रहे थे तो उससे 10 ओवर कराना जो है वो एक समझ से बालातर चीज थी। हारिस रऊफ से उसको जो है वो पावर प्ले में लाना, हालांकि पीट पीट के मर गए कि हारिस रऊफ को जो है वो पावर प्ले में उससे बॉलिंग नहीं होती, जब उसको एक दफा मार पड़ जाए तो वो फिर जो है वो उसके बाद पाकिस्तान टीम प्रेशर में आ जाती, वो तो लकली आज जो है वो हारिस रऊफ को जल्दी जो है वो विकेट मिल गई और उसकी वजह से हारिस रऊफ का जो है वो मोमेंटम दोबारा बिल्ड हो गया और उन्होंने अच्छी बॉलिंग कर दी। अदरवाइज हारिस रऊफ को जिस तरह पहले ओवर में मार पड़ी थी, मुझे तो डर ही लग रहा था कि आज जो है वो बंगाल टाइगर जो है वो कहीं आज पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो तूफान ही बर्पा ना कर दें, और आपको जो है वो सलमान अली आगा को भी बॉलिंग ना देना ये भी एक जो है वो बिल्कुल बहुत बड़ा ब्लंडर था बाबर आजम की तरफ से। डिफेंसिव कप्तानी देखने को अब तक, और वो अभी तक जो है वो एग्रेसिव मोड में नहीं आए, अभी तक जो है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की तरफ नहीं आ रहे हो, ना ही खिलाने की तरफ आ रहे हैं। अगर आपको आज क्रेडिट देना पड़े तो मेरे ख्याल से आपको पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो तीनों हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए, और जो पाकिस्तान के ओपनर्स हैं उनने जिस तरह जो है वो खेला है उनने आउटस्टैंडिंग जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है और उनकी तरफ से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है, और उनकी वजह से जो है वो पाकिस्तान ने आज ऑलमोस्ट 17-18 ओवर जो है वो पहले रन चेज किया है।
तो वो बाबर फहर जमान और अब्दुल्ला शफी की कमाल की बैटिंग की बदौलत किया है। और अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के बैट्समैन को 204 रन का रिस्ट्रिक्ट किया तो उसमें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर का जो है वो बहुत बड़ा हाथ था। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह जो है वो अपने नेक्स्ट मैचेस में भी खेले, अगली टीम पर चढ़कर खेले, उनको जो है वो बुरी तरह हराए, अपने रन रेट को भी बेहतर करे। मुझे तो अब भी उम्मीदें नहीं लग रही कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए मे भी कोई चांस बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने अभी बड़ा अच्छे टाइम पर जो है वो पिक किया है। पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छा काम करने लगी है, पाकिस्तान की बैटिंग चलने लगी है, ओपनिंग चलने लगी है, और जो है वो फास्ट बॉलर्स की फॉर्म वापस आ गई। पाकिस्तान को करना क्या, पाकिस्तान को अब्रार अहमद को जो है वो रिजर्व से उठाकर मेन स्क्वाड में वापस लाना है, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ सतही खड़े हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और जो हजरा प्लीज मेरे चैनल पर नए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा दे। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।